के दीदी भैया बोला। भैया दीदी जो भी बोले, अब भैया आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, अंकल आंटी। पग धोए न कर है गंगा पारे हरी के चाहे तारे दे हरी दे चाहे तारे हरी दे चाहे। तो गाइस समय यात्रा बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरे पीछे आप देख सकते हो चढ़ाई, और आगे भी चढ़ाई है, पीछे भी चढ़ाई है, और मैं साइकिल को खींच रहा हूँ पैदल पैदल। बहुत मुश्किल है यार सफ़र करना। ये एमपी के घाट हैं, मध्य प्रदेश के घाट, इनके नाम क्या हैं कुछ पता नहीं। और सफ़र बहुत मुश्किल है, अभी फिलहाल का सफ़र जो है बहुत मुश्किल चल रहा है, अभी घाट ही घाट है। आई विल सी यू। ये देखो कैसी खतरनाक चढ़ाई है, और ये ही चढ़ाई मुझे चढ़नी है अभी आगे काफ़ी किलोमीटर दूर तक। तो सफर इज नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी हार्ड। कलेजा, दिल, दिमाग, लीवर सब मुंह में आने निकलता है, ऐसी चढ़ाई है। ये है गाइस भारत पेट्रोलियम का वॉशरूम, एकदम गजब वाला आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा यहाँ पे। मैं अप्रिशिएट करता हूँ भारत पेट्रोलियम को जो इस तरीके के वॉशरूम यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हो, और साफ सफाई कितनी ज़्यादा मेंटेन की गई है। यह है भारत का स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड। आप सामने की चोटियां देख सकते हैं कितनी शानदार हैं, हरी हरी घास। तरफ मौसम कैसा है? बारिश, बारिश ज़्यादा। गाइस ये देखो, ये चोटियां देखो यार आप, 6-7 हज़ार की वहाँ पे, 6-7 हज़ार यूपी में। यूपी देखो गाइस, ये चोटियां देखो जहाँ मैंने अभी किया है। ये देखो गाइस कितना बढ़िया सीन है एकदम। है जनाब, आज रात का हमारा स्टे हुआ है इस आश्रम में, और इस सामने वाले रूम में हम रुकेंगे। और ये है NH-44 के पास नरसिंहपुर, जो कि MP का एक ज़िला है, उसके अंदर ये मेरी व्यवस्था हुई है, और हालात मेरे आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। बहुत अच्छे हालात हैं मेरे, मेरी शक्ल पे देना नमक सा निकल रहा, नमक सा, ऐसी ही पता नहीं किस तरह की धूल है, दिखा भी नहीं सकता मैं आपको, और ऑयली स्किन हो रही बहुत ज़्यादा, ऑयली स्किन है मतलब। तो खैर, ईश्वर अपना काम कर रहा है, हम अपना काम कर रहे हैं, प्रकृति ऐसे ही चलती है। हम साइकिल चला रहे हैं, ईश्वर हमें क्या कर देते हैं, रात को रुकवाने की व्यवस्था करवा देते हैं, तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। जब मैं ग्वालियर में था ना दोस्तों, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का वहाँ पे महल है, तो मैंने कोशिश करी कि चलो मिलके देखते हैं, तो खैर मेरी एंट्री हो गई वहाँ पे। तो जब मेरी एंट्री हुई तो वहाँ पे ग्वालियर का मतलब पूरे MP का नक्शा लगा हुआ था, तो मैंने देखा कि ग्वालियर से झांसी मतलब आता है ना कभी कभी राज्य का, एक राज्य का जो नक्शा होता है उसके आसपास थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है, तो वहाँ पे भोपाल वो नागपुर दिखाई दे रहा था मेरे को। तो मैंने बैठे बैठे मिला के देख लिया थी ग्वालियर टू नागपुर, तो ग्वालियर टू नागपुर था 700 किलोमीटर आज से 8 दिन पहले। और भाई साहब आज नागपुर मेरे पास सिर्फ 250 किलोमीटर के आसपास है, वो 550 किलोमीटर मतलब 500 या 550 के आसपास मैंने कवर कर दिया है, क्योंकि 240 के अराउंड ही है शायद मेरा नरसिंहपुर से, इतना ही पड़ेगा। तो अच्छा जा रहा है, मतलब कि धीरे धीरे आप जो सोचते हो ना कि आप नहीं कर पाओगे, आप उन चीज़ों को कर जा रहे हो शानदार तरीके से, तो यही आपकी अचीवमेंट है। तो गाइस इतना कहना चाहूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखो। भरोसा किस तरीके का, कि आप कर सकते हो, यदि आप कहीं और नहीं कामयाब आ रहे तो कामयाब हो पा रहे हो, सक्सेस हो पा रहे हो, तो कहीं और कोशिश करो। मैंने
चलो अभी हम क्या बताएं आपको, अभी तो सफल तो हम भी नहीं है, बाद में बताएंगे जब कभी यूट्यूब पे सफल। आप दर्शन कर रहे हैं श्री दुलादेव महाराज जी की, जो कि डोकरा घाट एमपी में पड़ते हैं। वहाँ से निकलते हुए मैंने ये मंदिर देखा है। आपने अक्सर बहुत सारे मंदिर सुने होंगे लेकिन दूल्हा मंदिर नहीं सुना होगा, तो पहली बार आप मेरे चैनल पर देख रहे हैं दूल्हा मंदिर। हुए हैं श्री दुलादेव महाराज की, महाराज जी का मंदिर है डोकर घाट में। इतिहास तो पता नहीं क्या है इसका, जानने की कोशिश करेंगे। दुलादेव क्यों बोला जाता है इन्हें स्पेशल, मैं बात करता हूँ अभी किसी लोकल पर्सन से जो बताएंगे मेरे को। मंजिल दूर नहीं है, 1827 किलोमीटर। जनाब मुझे अभी मिले हैं अंकल आंटी, और ये मुझे भैया दीदी जो भी बोले, अब भैया आप मेरे से बड़े हैं, ठीक है, अंकल आंटी मिले हैं और मुझे बहुत ज़्यादा अपने घर ले जाने के लिए इनवाइट करे हैं, लेकिन समय की इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है, शाम को 6 बजने वाले हैं और यदि मैं अभी सही जगह नहीं पहुँचा तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चाय पियेंगे दीदी कभी भी नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर, यदि मेरा कभी यहाँ पे आना होगा दोबारा से तो डेफिनेटली मैं आऊँगा आपके यहाँ। और थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। हेलो सर, थैंक यू सो मच आपका जी। तो गाइस ये ऐसे ही इसी तरीके से लोग हमें सपोर्ट करते हैं, जैसे आप लोग अभी देख रहे हो सकता है मेरी गिम्बल मैंने इसमें रखी हुई है बारिश की वजह से, तो प्रॉब्लम भी आती हैं और अच्छा भी लगता है। तो ये सब जर्नी का एक पार्ट होता है, क्योंकि हम सर्वाइव भी करेंगे कभी कभी, बहुत चीज़ें इतनी अच्छी हो जाएंगी। जैसे मैं ग्वालियर में था तो वहाँ पे राजा साहब ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया सर ने मेरे लिए एक होटल करवा दिया था, तो मुझे उस दिन इतना अच्छा लगा, मैंने कहा रात तो बहुत बढ़िया रहा, एसी वेसी मतलब बहुत कुछ अच्छा रहा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत चीज़ें अच्छी हो जाती है, कभी कभी जंगल में भी रुकना पड़ जाता है। तो थैंक यू सो मच सर आंटी, बढ़िया, थैंक यू आपको, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों यह है बंजारी माता टेम्पल, जो कि सिवनी की ओर जाते हुए एमपी में स्थित है। सागर जिले से आगे पढ़ते हुए जब हम नरसिंहपुर के लिए पहुंचते हैं तब यह रास्ते में पड़ता है पहाड़ों के पास। आज रात मैं यहां पर रुकने वाला हूं और अगली सुबह मैं निकलने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। गाइस हमें ज़रूर बताना है आप लोगों को।